हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे आपको पता दोस्तों, कुछ दिन पहले यामा की तरफ से MT-15 2.0 इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी गई। लेकिन दोस्तों, हर कोई अभी सिर्फ और सिर्फ MT-15 में ध्यान दे रहा था। भाई, किसी ने ये नहीं देखा कि यामा की नई R15M भी लॉन्च की गई है। दोस्तों, यामा ने अपनी 60 एनिवर्सरी वाली न्यू यामा R15M भी इंडियन मार्केट में लॉन्च की गई है, जो कि नया कलर ऑप्शन आपको यामा की तरफ से देखने को मिल रहा है। हर कोई MT-15 में ध्यान दे था, लेकिन ये वाली बाइक में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था यार, तो इस पे वीडियो बनाना भी बहुत जरूरी था। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को नई वाली R15M के बारे में बताने वाला हूं कि क्या क्या कलर में आपको इसमें चेंजेस देखने को मिला और क्या क्या नई चीजें आपको बाइक में मिली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं न्यू R15M के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा बाइक के डिजाइन एंड फीचर्स के बारे में। जैसे आपको पता है कि यामा की 60 इयर्स इन ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग करके एक नया एडिशन आया है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, न्यू गोल्डन रेड एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें क्या क्या चेंजेस किए आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें लिखे हुए हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको बाइक में आइकॉनिक व्हाइट कलर देखने को मिल रहा है, जो कि रेड स्पीड कलर स्कीम के साथ में आएगा। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और नया ग्राफिक यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई यामा की तरफ से। साथ में दोस्तों, आप लोग बाइक में जो रियर सीट है वहां पे आप लोगों को नया R15M का लोगो देखने को मिल रहा है, ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा यामा की तरफ से। साथ में दोस्तों, आपको इसमें रियर में जो नया ग्राफिक दिया गया है, आपको 60 साल एनिवर्सरी वाला WGP लाइवरी LNR का आपको नया ग्राफिक जो है वो आपको बाइक में देखने को मिला है। सबसे बड़ा यहाँ पे जो चेंज किया गया है दोस्तों, वो किया गया बाइक के CA अलॉय व्हील्स में। अलॉय व्हील्स में दोस्तों आपको गोल्डन व्हील देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इसकी जो व्हील है वो आपको गोल्डन कलर देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये बाइक जब आप रियल लाइफ में देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब इसकी टैंक में आपको जो यामा का लोगो मिलता है 3D वाला, उसमें भी चेंज किया गया है। वहाँ पर आपको प्रीमियम गोल्ड ट्यूनिंग लॉक देखने को मिल रहा है, प्रीमियम गोल्ड ट्यूनिंग फॉर्क आपको देखने को मिल रहा है। यामा का गोल्डन कलर में आपको दिया गया है इसका लोगो, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में आपको उसके टैंक में जो है इसका WGP लोगो ऑन टैंक आता है। 16 वाला जो WGP लोगो है वो आपको इसके टैंक में देखने को मिल रहा है, तो वो भी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो ग्राफिक है उसमें यामा ने काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया और नया ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन आपको बाइक में देखने को मिल रहा है। सभी लोग दोस्तों MT-15 को ध्यान दे रहे थे, ये वाली प्यारी सी R15M को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो आपका भाई ये वीडियो लेकर आया। अब दोस्तों, अगर बात करें बाइक के चेंजेस के बारे में कि क्या कुछ ऐसा टेक्निकल या मैकेनिकल या आप कह सकते हो डिज़ाइन में कोई चेंज हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी नहीं, डिज़ाइन में ऐसा कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बाइक आपको ऑलमोस्ट पहले की तरह देखने को मिली है, ना तो इसमें पावर में कोई काम किया गया है। हालांकि जो प्राइस है भाई, वो तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। दोस्तों, आपको पता है कोई भी कंपनी कुछ भी चेंज करती है तो बाइक का जो प्राइस है भाई, वो तो इंक्रीज होता ही होता है। अब दोस्तों, बात करें इसके एक्सोरूम प्राइस के बारे में, तो इसका एक्सोरूम प्राइस रखा गया लगभग 188,300, 188,300 के आसपास का बाइक का एक्सोरूम जो प्राइस है वो यामा की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको पहले की तरह बाइक में आपको इंस्टेट ऑफ द LED हेडलाइट मिल रहा है R15M में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सिंगल प्रोजेक्टर लाइट के साथ में आती है, काफ़ी ब्राइट लाइट है। फ्रंट में आप लोगों को USD फॉक्स सस्पेंशन मिलता है, वो तो पहले की तरह ही, जैसे मैंने आपको बताया, किक शिफ्टर आता है बाइक में, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, ब्रेक गोल्डन ब्रेक कैलिपर आपको बाइक में देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों चेंजेस किए गए हैं, लेकिन ये है कि कलर एंड ग्राफिक में काम किया गया है। एक्चुअल डिजाइन के बारे में बात करें तो उसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। बाइक में पहले की तरह 155cc का लिक्विड कूल SOC 4 वोल्ट इंजन आपको बाइक में मिलता है, जो कि लगभग 18.4 के आसपास का पावर जनरेट करता है। 10,000 RPM के आसपास का नेटम जो RPM है, साथ में 14.2 के आसपास का नेटम टॉर्क आपको बाइक में देखने को मिलता है, जो कि 7,500 RPM में पावर जनरेट करता है। डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में आपको बाइक में पहले की तरह नंबर ऑफ 6 स्पीड गियरबॉक्स बाइक में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं यामा ने काम तो काफी अच्छी तरीके से किया है, बाइक में डिजाइन भी काफी अच्छी तरीके से किया है। अब डिपेंड करता है आप लोगों को ये बाइक कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों, इस बाइक को जब आप एकदम रियल लाइफ में यानी कि सामने से देखेंगे, तब आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बाकी आप लोगों को ये नया एडिशन कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके, आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।